क्रिकेटर और अर्जुन अवार्डी हरमनप्रीत कौर ने पुलिस अफसर की नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा कर डाला है। रेलवे में नौकरी कर रही हरमनप्रीत ने डिप्टी एसपी की नौकरी पाने के लिए आवेदन में फर्जी मार्कशीट ही लगा दी। इसी साल डिप्टी एसपी बनी हरमनप्रीत के फर्जीवाड़े की पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। मेहनत से बनी क्रिकेटर, धोखे से पाई नौकरी, नौकरी के लिए बनवा डाली बीए की फर्जी डिग्री, पंजाब पुलिस की डिप्टी एसपी की जाएगी नौकरी, लोकप्रिय क्रिकेटर का नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा। पंजाब के मोगा की हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी और पंजाब पुलिस की डिप्टी एसपी है। हरमनप्रीत को 2017 में राष्ट्रपति ने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा था। 2018 में पंजाब पुलिस ने प्रांत के इस गौरव को विभाग में डिप्टी एसपी बना दिया। मगर नौकरी के लिए हरमनप्रीत ने बीए की जिस डिग्री का इस्तेमाल किया वो फर्जी निकली। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नाम से जारी इस डिग्री का नामांकन और रोल नंबर विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग के अभिलेखों में नहीं मिला है, यानी ये डिग्री फर्जी है। भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में नौकरी हासिल है। हाल ही में पंजाब पुलिस ने उन्हें डीएसपी की पोस्ट ऑफर की और जब उन्होंने इस जॉब के लिए आवेदन किया तो अपनी बीए की डिग्री लगाई। यह डिग्री मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जारी की गई थी, लेकिन जब पंजाब पुलिस की रिक्वेस्ट पर विश्वविद्यालय ने इस डिग्री की जाँच की तो इसका रिकॉर्ड विश्वविद्यालय में नहीं मिला है। फर्जी डिग्री के मुताबिक कला वर्ग से हरमनप्रीत ने शहर के 188 साल पुराने मेरठ कॉलेज से सन 2011 में बीए किया है। पंजाब पुलिस ने 13 मार्च 2018 को इसके वेरिफिकेशन के लिए विश्वविद्यालय को चिट्ठी भेजी और विश्वविद्यालय के विजिलेंस विभाग ने विश्वविद्यालय में इस डिग्री का रिकॉर्ड न होने की रिपोर्ट पंजाब पुलिस को दे दी। इसके बाद अप्रैल में दोबारा पंजाब पुलिस ने स्पेशल मैसेंजर से 3 अप्रैल 2018 को चिट्ठी भिजवाई, जिसका जवाब पहली चिट्ठी के नतीजे जैसा 8 अप्रैल को भेज दिया गया। हरमनप्रीत कौर ने इसी डिग्री से भारतीय रेलवे में भी नौकरी पाई है और डीएसपी बनने से पहले तक वही कार्यरत थी। जो मार्कशीट उन्होंने संलग्न किया बीए फाइनल का 2011 का, उसमें जो भी इनरोलमेंट नंबर है, जो उसका रोल नंबर है, वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं पाया गया, मेल नहीं खाया, हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने भेजा कि आपका जो ये मार्कशीट यहाँ है ये हमारे यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड से मैच नहीं खाता है। क्रिकेट के मैदान में अपने बल्ले का हुनर दिखाने वाली हरमनप्रीत कौर अब आपराधिक मामले में फंस चुकी हैं। पंजाब पुलिस और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जांच में ये साबित हो गया है कि उन्होंने कूटनीतिक दस्तावेज तैयार किए और उसके बाद उनका सरकारी प्रक्रिया में इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होगा उसमें आजीवन कारावास तक की धाराएं शामिल हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।